गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, आज आपका देखिए हिंदी रीडर का लेसन 7 है। इसका नाम है शरारती गोपी। इसकी शरारती गोपी एक बच्चा है, इसकी स्टोरी मैं सुनाऊंगी लेसन 7 में। ओके, आप ध्यान से सुनना। देखिए, एक चरवाहा था, उसका नाम गोपी था। वह रोज़ भेड़ों को चराने जंगल ले जाता था। दिन भर वह भेड़े चढ़ाता और शाम को भेड़ों को लेकर वापस गाँव आता था। वह बहुत शरारती था। चरवाहा था, उसका नाम क्या था? गोपी था। वह रोज़ क्या करता था? भेड़ों को चढ़ाने के लिए जंगल ले जाता था। दिन भर वो क्या करता? भेड़ों को ही चराता और शाम को भेड़ों को लेकर वापस गांव आ जाता था। और वह बहुत शरारती था। वह हमेशा किसी न किसी को परेशान करता था। उसे दूसरों को सताने में बड़ा ही मज़ा आता था। गाँव के सारे लोग उसकी झूठ बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। किस आदत से परेशान थे? उसकी झूठ बोलने की आदत से। एक दिन की बात है, गोपी अपने भेड़ों को चराने जंगल ले गया। तभी उसे एक शरारत सूझी। गोपी एक पेड़ पर चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। कहाँ चढ़ गया गोपी? एक पेड़ के ऊपर। और उसने क्या किया? वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गाँव के सारे लोग उसकी चीख सुनकर हाथों में डंडा और लाठी लेकर भागे दौड़ आए। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां कोई भेड़िया नहीं देखा। लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। गांव वालों को उसके इस झूठ पर बहुत गुस्सा आया। सारे लोग उसे बुरा भला कहते हुए वहां से वापस चले गए। गांव वालों क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसने झूठ बोल दिया था कि भेड़िया आया। और जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर कुछ नहीं था और वो जो था हंसने लगा। गोपी को बड़ा मज़ा आया कि उसने सबको बुद्धू बनाया। गोपी ने कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही मजाक दोबारा किया। गांव के सारे लोग उसकी चीख सुनकर दौड़े आए तो गोपी ने फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो देख रहा था कि मेरा शोर सुनकर आप सभी मुझे बचाने आते हैं या नहीं। गांव वालों ने फिर अपने अपने घर लौट आए। फिर दूसरे दिन क्या किया गोपी ने? फिर वही शरारती की, जाके ऐसे चिल्लाया चीखा कि मुझे बचा लो, कोई आ रहा है। और फिर जब गांव वाले वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है और ये कह रहा है कि देखूं मेरे चिल्लाने से कि गांव वाले मेरी हेल्प के लिए, मेरी मदद के लिए आते हैं या नहीं। गांव वाले ने परेशान होकर निश्चय किया कि अब गोपी कभी फिर से चिल्लाएगा तो उसकी सहायता के लिए कोई नहीं जाएगा। क्या निश्चय किया गाँव वालों ने? परेशान होकर ये निश्चय किया कि गोपी फिर से कभी चिल्लाएगा तो उसकी सहायता के लिए, उसके हेल्प के लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता रहता है। एक दिन की बात है, गोपी अपनी भेड़ों को चराने जंगल ले गया था। एक खूंखार भेड़िए ने भेड़ों पर हमला बोल दिया। भेड़िए को देखकर गोपी बहुत डर गया। वह झट से एक पेड़ पर चढ़कर जोर जोर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। इस आवाज़ को गांव वाले ने सुना, परंतु वह कहने लगे कि यह तो गोपी की आवाज़ है, लगता है वह फिर से मजाक कर रहा है। क्या हुआ? अगली बार सचमुच में ही भेड़िया आ गया और उसने शोर मचाया कि भेड़िया आया, बचा लो। तो गांव वाले ने क्या समझा? गांव वाले ने यही समझा कि यह फिर से मजाक कर रहा है और ऐसे ही परेशान कर रहा है। इस बार उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं पहुँचा। भेड़िए ने गोपी की कई भेड़ों को घायल कर दिया। वह बहुत देर तक ज़ोर ज़ोर से रोता और चीखता रहा, लेकिन सभी गांव वाले यही सोच रहे थे कि वह झूठ बोल रहा है। क्या किया भेड़िए ने? भेड़िए ने गोपी के कई भेड़ों को घायल कर दिया और वह बहुत देर तक ज़ोर ज़ोर से रोता रहा। गांव वाले यही समझे कि वो फिर से मजाक कर रहा है। अब गोपी को अपनी पहले वाली शरारतों पर बहुत पछतावा हुआ। वह बोला, अगर वह पहले इसी तरह के झूठ नहीं बोलता तो आज ऐसा अनर्थ नहीं होता। गोपी बहुत दुखी हुआ कि आज उसे गांव वालों की सचमुच में ज़रूरत थी, लेकिन उसकी शरारतों के कारण किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। उसने कसम खाई कि वह अपने जीवन में फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और हमेशा बड़ों का कहना मानेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें
क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी का क्या मॉरल है, इसका यह है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने गोपी की स्टोरी में सुना, शरारती गोपी की स्टोरी में सुना कि उसने क्या किया, वो हमेशा झूठ बोलता था, गया जंगल और बोलता है कि बचाओ बचाओ भेड़िया आ रहा है, जब गांव वाले पहुंचते थे तो वहां पे कुछ नहीं होता था, उनको देख के वो हंसता था, उनके मजाक उड़ाता था। सेकंड टाइम भी उसने ये किया तो गांव वाले ने क्या निश्चय किया, गांव वाले ने ये निश्चय किया था कि अब अगर ये ऐसा चिल्लाएगा तो हम इसकी सहायता के लिए नहीं आएंगे, हमेशा मजाक करता है। तो अब असलियत में ऐसा हुआ, पहले तो उसने दो बार मजाक किया, असलियत में ऐसा हुआ तो फिर गांव वाले उसकी मदद के लिए नहीं आए। तो अगर हम एक बार झूठ बोल देते हैं तो फिर अगर हम सच बोलते हैं तो कोई हमारी नहीं समझता कि हम सच बोल रहे हैं। इसलिए बच्चों निश्चय करो कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। ओके, अब मैं आपको काम बताऊंगी क्या करना है। इंद्री रही कॉपी में करना है, कठिन शब्द हैं, ठीक है, नीट और साफ करना अच्छे अच्छे। अब सेकंड काम आपका ये है, शब्द अर्थ करने हैं, वर्ड मीनिंग, इनको बोल बोल के आपको लिखना है, याद भी करना है इनको और साफ साफ लिखना भी है। ये वाला काम आपको कॉपी में करना है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट कॉलम में देखेंगे हम, फर्स्ट लाइन में क्या है, गोपी भेड़ों को कहाँ ले जाता था। अभी आपने स्टोरी सुनी है, जंगल में, बाजार में, मेले में, तो कहाँ ले जाता था, जंगल में। जंगल पर हम राइट का निशान लगाएंगे। देन सेकंड देखिए, गोपी कैसा लड़का था, अच्छा, शरारती, सच्चा, तो वह शरारती लड़का था, तो इस पर हम टिक करेंगे। अब थर्ड देखिए, भेड़ों को किसने घायल किया, गोपी ने, भेड़िए ने, गांव वाले ने, तो भेड़िए ने किया था, तो यहाँ पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अब देन लास्ट देखिए, गोपी ने कसम खाई वह जीवन में कभी देश नहीं बोलेगा, क्या झूठ, सच या कुछ नहीं, क्या कसम खाई थी उसने, झूठ नहीं बोलेगा, तो हम यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। अब हम देखेंगे बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसमें है खालिस्तान भरो। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी सहायता से आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए, गोपी भेड़ों को देश जंगल ले जाता था, कहाँ बताओ, भेड़, गोपी भेड़ों को चराने, क्या क्या आएगा यहाँ पे, चराने, चराने जंगल ले जाता था। सेकंड देखिए, भेड़िए को देखकर गोपी बहुत देश गया, डर गया, क्या फील करें यहाँ पर, ये हमने डर लिख दिया। अब थर्ड देखेंगे, एक देश भेड़िए ने भेड़ों पर हमला बोल दिया, किसने, खूंखार ने, ठीक है। अब यहाँ पे खूंखार फिल करेंगे हम यहाँ पे। अब आगे देखेंगे, गोपी जोर जोर से देश रहा, क्या कर रहा था, चिल्लाता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चिल्लाता रहा। अब लास्ट देखेंगे, गोपी ने देश खाई कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्या खाई थी उसने, कसम खाई थी कि वो अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। बच्चों ये वाला काम भी आपको कॉपी में करना है, सुंदर नीट एंड क्लीन करना है, उसको याद भी करना है। अब बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फोर है, सही मेल मिलाओ, ठीक है। यहाँ पे मैचिंग करनी है आपको, शरारती गोपी, खूंखार भेड़िया, घायल भेड़े, झूठ से परेशान गांव वाले। अब देखेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फाइव है, वाक्यों पर सही या सही का या गलत का चिन्ह लगाओ, ठीक है। फर्स्ट में देखेंगे, गोपी बहुत ही शर्मीला और भोलाभाला लड़का था, नो, यहाँ पे रॉन्ग का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, सभी लोग गोपी के झूठ बोलने की आदत से परेशान थे, सही, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। देन थर्ड देखेंगे, गोपी को देखकर भेड़िया डरकर भाग गया, रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आप फोर्थ में, भेड़िए ने गोपी की कई भेड़ों को घायल कर दिया, राइट, सही है ये,
अवलाद देखेंगे, गोपी को अपनी शरारतों का बहुत पछतावा हुआ। राइट, तो ये वाला भी आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, और इन द हिंदी रीडर की कॉपी पर आपको अच्छे अच्छे सुंदर एंड नीट लिखना है। अब यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें दिया गया कि प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, ये वाला काम मैं कॉपी के ऊपर ये क्वेश्चन भी उतार दूँगी और इसके आंसर भी उतार के आपको फोटो करके आपके ग्रुप में भेज दूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पढ़ो समझो और लिखो। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो गांव शहर। अब नीचे देखो, झूठा सच्चा, दिन रात, बुरा अच्छा, धीरे जल्दी, शाम सुबह, बहुत कम, हंसना रोना। इनको आपको याद करना है और आपको इनको कॉपी में भी लिखना है।